उत्तर प्रदेश में हो रही सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। एग्जाम सेंटरों से लेकर सोशल मीडिया तक पुलिस द्वारा निगरानी रखी जा रही है। इसी कड़ी में पेपर लीक होने की अफवाह उड़ाने वालों पर भी यूपी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। टेलीग्राम चैनल पर पेपर लीक संबंधित मैसेज प्रसारित करने वालों पर पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से लखनऊ के हुसैनगंज थाने में FIR दर्ज कराई गई है। बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड मीडिया सेल के प्रभारी इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार की तहरीर पर हुसैनगंज थाने में FIR दर्ज कराई गई है। उस तहरीर में कहा गया है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की अफवाह फैलाई जा रही है और परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को धोखा देकर उनके साथ ठगी करने की कोशिश की जा रही है। वहीं FIR में कहा गया है कि टेलीग्राम पर कुछ अकाउंट के जरिए फर्जी प्रश्न पत्रों को वायरल कर QR कोड भेजकर लोगों से रुपये मांगे जा रहे हैं। जिन लोगों ने फर्जी पेपर भेजकर अभ्यर्थियों को UPI ID भेजी है पैसे लेने के, उनको भी इस केस में आरोपी बनाया गया है। इसमें कुछ नाम कपिल, शोएब, सिद्धार्थ, मनु, हरीश और नबी है। पुलिस ने इस कड़ी में अभ्यर्थियों से अपील भी की है कि वो किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें और अगर कोई पेपर लीक आदि की बात कहकर उनसे संपर्क करता है या रकम मांगता है तो तत्काल पुलिस को भी सूचना दें। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस के साथ UPSTF समेत कुछ और एजेंसियों को इस वक्त इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराने के लिए लगाया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है जिससे अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जा सकेगी। वहीं पेपर लीक को लेकर पूर्व सपा विधायक और पूर्व मंत्री यासर शाह के द्वारा उनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी की गई पोस्ट को भी हुसैनगंज कोतवाली में इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार की तरफ से दर्ज FIR में शामिल किया गया है। बता दें कि बीते दिनों पेपर लीक की घटना अत्यधिक बढ़ती जा रही थी। नीट से लेकर नेट तक सब पेपर लीक हो रहे थे जिससे अभ्यर्थियों को मनोबल डाउन होता जा रहा था, लेकिन इस बार पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और पेपर लीक करने वाले या पेपर लीक की अफवाह उड़ाने वाले शातिरों को पकड़ने के लिए तैयार बैठी है। खैर, कई लोगों पर पेपर लीक की अफवाह फैलाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर, हिंदी।